नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यील्ड। ठीक है, यील्ड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। तो ये यील्ड की डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर दो चीजें मिल रही हैं, लेट्स से जिस तरह हमने अमोनिया की एग्जांपल ली, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस भी साथ में कर रहा हूं, और ये अमोनिया बन जाएगी। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो अमोनिया बनी कि कितनी बनी, ये कहती है यील्ड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। अब यील्ड की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, यील्ड की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्चुअल यील्ड और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड वो यील्ड है जो हमारी एक्चुअल में प्रोडक्ट बन रही है, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बन रही है, यानी कि जो आप लेबोरेटरी में बना रहे हैं या जो इंडस्ट्री में बन रही है, वो होती है एक्चुअल यील्ड। यानी कि एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल रिएक्शन हुआ तो आपको कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की मिली, वो है एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आप थ्रू केमिकल इक्वेशन निकालते हैं, यानी कि इक्वेशन के थ्रू जो कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में नहीं मिली लेकिन आपने कैलकुलेट की कि मुझे इतनी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, एक्चुअल यील्ड की और थ्योरेटिकल यील्ड की। एक्चुअल यील्ड की क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो एक्चुअली अमाउंट प्रोड्यूस हुई उसको हम एक्चुअल यील्ड कह लेंगे। और थ्योरेटिकल यील्ड में द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमने कैलकुलेट की उसको हम कह देंगे थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड जो है, जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुई इन अ केमिकल रिएक्शन, उसे हम एक्चुअल यील्ड कह देंगे। ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, जो न्यूमेरिकल वो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, वो ये है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। क्योंकि एक्चुअल यील्ड में हमारे पास जब हम एक्चुअली प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम वो लॉसेस को कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो लिहाजा जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। मैथमेटिकली हम इस तरह कर सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास होती है। ये आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में कौन सी ज्यादा होती है और कौन सी कम होती है। अब एक्चुअल यील्ड कम होने की रीजंस क्या है, ये आपने देखनी है कि रीजंस क्या है, एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से मोस्टली। ठीक है, वो कौन से अनासिर हैं, वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो सबसे पहली रीजन है वो है साइड रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आप प्रोडक्ट हासिल करना चाह रहे हैं कि सिर्फ वो ही हासिल हो, वो साइड प्रोडक्ट भी कुछ बन सकती हैं। ठीक है, वो साइड प्रोडक्ट्स बनने की वजह से जो है वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी। सेकंड नंबर पे हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो सकता है। जब वो रिवर्सिबल होगा तो वो 100% कंप्लीट नहीं हो सकता, तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल का एग्जांपल क्या है? लेट्स से हमने कहा था नाइट्रोजन और जब हाइड्रोजन मिलती है तो अमोनिया बनता है। ठीक है, जब हम इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो अमोनिया बनता है, अमोनिया बनता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि अमोनिया जो है वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, अमोनिया डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को दोबारा बनाएगा। जब ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को बनाएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे, अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो जितना अमोनिया बनाएंगे वो बैकवर्ड उतना ही बना देगा। तो लिहाजा ये रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो लिहाजा रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से चूंकि वो 100% कंप्लीट नहीं होते, लिहाजा जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाएगी। थर्ड नंबर पे लास्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस, इसके अलावा जितने डिफरेंट किस्म के लॉसेस हैं वो मैकेनिकल लॉसेस में आ जाते हैं। लेट्स से कि आपका जो टेक्नीशियन है, जो वो केमिकल बना रहा है डिफरेंट, वो क्या करता है, वो एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में जब रिएक्टेंट शिफ्ट करता है तो वो कुछ जाया कर देता है,
इसके अलावा जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो कुछ ज़ाया हो जाती हैं, जब क्रिस्टल्स को आप वॉश कर रहे होते हैं तो आपकी कुछ प्रोडक्ट ज़ाया हो जाती है, लिहाजा कुछ मैकेनिकल लॉसेज होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। ये तीन रीजंस हैं, साइड प्रोडक्ट बन सकती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, या मैकेनिकल लॉसेज की वजह से आपके पास एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इंपॉर्टेंट एक टर्म है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड एक इंपॉर्टेंट टर्म है। परसेंटेज यील्ड क्या शो करती है कि एफिशिएंसी कितनी है, रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है, एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे आप डिवाइड करके 100 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। आपकी बुक में इसकी एग्जांपल की भी गिवन है और इसकी जो है वो न्यूमेरिकल भी गिवन है कि आपने परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज यील्ड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये फार्मूला सिंपल गिवन है। एक्चुअल यील्ड आपको दी होती है, क्योंकि ये एक्चुअल यील्ड आपको पता चलेगी एक्सपेरिमेंट के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू, तो लिहाजा एक्चुअल यील्ड तो आपको नहीं पता, तो लिहाजा एक्चुअल यील्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक्चुअल यील्ड आपको बताई होती है। थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन से हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कितनी बन रही है, वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। तो लिहाजा हम एक्चुअल यील्ड जो गिवन होगी उसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड पे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमें परसेंटेज यील्ड पता चल जाएगी।